हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतिमन। तो लास्ट वीडियो में हमने मेवाड़ के समर सिंह तक पढ़ लिया था, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इनको धीरे धीरे करके आप लोग रिवाइज करते चलिए ताकि सारा मैटर इकट्ठा ना होने पाए। तो आज हम रावल रतन सिंह पढ़ेंगे। रावल रतन सिंह समर सिंह के ही बेटे थे। तो मैंने आपको बताया था कि जो समर सिंह थे, इन्होंने क्या किया था कि जब गुजरात से सोमनाथ मंदिर को लूटने जा रही थी अलाउद्दीन खिलजी की सेना, तो उनसे टैक्स वसूला था। इसी वजह से, इसी नाराजगी से अलाउद्दीन खिलजी जो है वो मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं, ठीक है। तो रावल रतन सिंह के समय ही समकालीन जो शासक हैं वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और यह रावल शाखा के अंतिम शासक माने जाते हैं। अब इनका समय जो है वो ज्यादा नहीं है, एक साल ही है इनका, 1302 से 1303 तक का इनका शासनकाल है। इनका विवाह जो है वह श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की पुत्री पद्मनी से हुआ था। और ये जो पद्मनी थी ये बहुत अधिक सुंदर थी। रानी पद्मनी के पास जो है एक हीरामन तोता था जो कि मनुष्य की भांति बोलता था। तो देखिए, एक बार क्या होता है कि ये जो हीरामन तोता है ये चित्तौड़ पहुंच जाता है उड़कर, और रानी पद्मनी की सुंदरता का वर्णन जो है वो रतन सिंह के सामने कर देता है। तो जो रावल रतन सिंह है, अब वो रानी पद्मनी से विवाह करना चाहते थे, क्योंकि रानी पद्मनी जो है वो इतनी अधिक सुंदर थी जिसकी व्याख्या हीरामन तोता उनसे पहले कर चुका था। तो वहीं राजा गंधर्व सेन जो है वो स्वयंवर कराने का निर्णय लेते हैं और वहां पर बहुत सारे हिंदू राजाओं को बुलाते हैं। तो राजा जो रतन सिंह है वो भी जाते हैं। वैसे इनकी 12-13 जो है वो रानियां पहले से ही थी, फिर भी रानी पद्मनी से जो है ये विवाह करना चाहते थे क्योंकि रानी पद्मनी इतनी सुंदर थी। तो देखिए, ये कई राजाओं से हैं, युद्ध करते हैं और रानी पद्मनी से विवाह करके और उन्हें चित्तौड़ लेकर आ जाते हैं। तो वहीं पर चित्तौड़ में रतन सिंह के यहाँ पर एक पंडित था राघव। ये जादू टोना करता था और जब इसकी बुरी नजर रानी पद्मनी पर पड़ती है तो रतन सिंह को ये अच्छा नहीं लगता है और राघव को वो चित्तौड़ से निकाल देते हैं। राघव जो है वो दिल्ली जाकर अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाता है और वह रानी पद्मनी की जो है सुंदरता की व्याख्या जो है वह अलाउद्दीन खिलजी के सामने करता है। और हालांकि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो मेवाड़ पर तो आक्रमण पहले से ही करना चाहता था, क्योंकि जो रतन सिंह के पिता थे समर सिंह, तो उन्होंने जो है वो टैक्स वसूला था इनकी सेना से, इस वजह से वह मेवाड़ को तो पहले ही हासिल करना चाहता था। और दूसरा, रानी पद्मनी जो है ये भी कारण बनती है मेवाड़ पर आक्रमण करने का। तो देखिए, अलाउद्दीन के मेवाड़ पर आक्रमण करने के दो कारण थे, अत्यधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी, यानी बहुत सारे साम्राज्यों को वो मिलाकर अपना साम्राज्यवाद बढ़ाना चाहता था। रानी पद्मनी को प्राप्त करने की लालसा भी उसको मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आगे करती है। और इसकी जानकारी हमें शेरशाह सूरी के दरबारी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में मिलती है, जो कि उन्होंने लिखा 1540 ईस्वी में, ठीक है। और इसकी जानकारी हमें अमीर खुसरो के ग्रंथ से भी मिलती है जिसका नाम है खजाइन उल फुतू, ठीक है। और यह अमीर खुसरो ने अरबी भाषा में लिखा था, तो इन दोनों के नाम ही आप लोग याद रखिएगा। रावल रतन सिंह के दो सेनापति थे गोरा और बादल। तो अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आक्रमण करेगा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले चित्तौड़ का क्या घेरा डाला। इतिहासकार कहते हैं कि यह घेरा जो है वो 8 महीने तक डाला था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सोचिए, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो उसका दाना पानी है वो सभी लेकर जो है वो यहाँ पर आ गया था, क्योंकि 8 महीने तक घेरा उसने डाला था, लेकिन फिर भी जो है उसको सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन 26 अगस्त 1303 ईस्वी को, अब इसने दिमाग जो है वो लगाया होगा, 8 महीने तक जो है वो कुछ भी नहीं हुआ। रतन सिंह के नेतृत्व में गोरा और बादल के द्वारा क्या किया जाता है? केसरिया, और रानी पद्मनी के द्वारा यहाँ जौहर किया जाता है। तो 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आक्रमण कर ही देता है। तो इसी को चित्तौड़ का पहला शाखा कहा जाता है, ठीक है। तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा जो है वो 1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह के समय में हुआ था। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में आ सकती है। तो इस आक्रमण के दौरान देखिए, 30,000 हिंदू जो है वो मारे जाते हैं। अलाउद्दीन का चित्तौड़गढ़ पर अधिकार हो जाता है और यहीं पर गोहिल वंश की समाप्ति और इसका स्थान सिसोदिया वंश ले लेता है।
तो अलाउद्दीन जो है वो चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख देता है, अपने बेटे के नाम पर रख देता है खिजराबाद। इसका बेटा होता है खिजर खां, तो उसके नाम पर रख देता है खिजराबाद और अपने पुत्र खिजर खां को यह सौंप कर चला जाता है चित्तौड़ को। तो देखिए खिजर खां जो है वो दो हैं, एक तो अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा है उसका नाम खिजर खां है और दूसरा सैयद वंश का खिजर खां है। ठीक है, तो दोनों ही अलग अलग हैं, याद रखिएगा। खिजर खां खिजराबाद की जिम्मेदारी जो है वो मूछला मालदेव, ठीक है, मालदेव सोनगरा, इसको सौंप देता है और शिशोदा गांव का जो लक्ष्मण सिंह है वो अपने सात पुत्रों के सहित जो है वो मारा भी जाता है। अब देखिए कि पद्मिनी के कारण जो है वो आक्रमण हुआ, ऐसा पद्मावत तो बताता ही है। इसके अलावा नैन्सी रिख्यात, कर्नल जेम्स टॉड, आईने अकबरी और तारी के फरिश्ता, यहां पर भी मिलता है कि पद्मिनी के कारण ही आक्रमण हुआ था। ठीक है, वो ये चीज नहीं लिखते हैं कि समर सिंह के कारण आक्रमण हुआ था, वो सभी ये लिखते हैं कि रानी पद्मिनी के कारण ही मेवाड़ पर आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। खजाइन उल फुतू में पद्मिनी की तुलना जो है वो सेबा की महारानी से की गई है, ऐसा कहते हैं अमीर खुसरो, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद के शासक जो हैं वो अपने नाम के आगे जो है राणा लगाने लगते हैं। तो आज हमने एक शासक पढ़े हैं रावल रतन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम सिसोदिया वंश के राणा हमीर सिसोदिया से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।